चक्रवाती तूफान यास अब झारखंड से निकलकर बिहार का रुख कर लिया। जाते जाते यह झारखंड में बर्बादी के निशान छोड़ गया। राज्य में दो दिनों से लगातार हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में मकान धराशायी हुए तो कई जगह डायवर्जन बह जाने के कारण कनेक्टिविटी समाप्त हो गई। वहीं रांची में किसानों के तैयार फसल बर्बाद हो गए हैं। यास के कारण लातेहार के सदर प्रखंड के होटवाग गाँव में उड़ाव टोला में बरगद का विशालकाय पेड़ गिर गया। हालांकि इस पेड़ के गिरने से कुछ हताहत नहीं हुआ, लेकिन आवागमन प्रभावित रहा। यह पेड़ लगभग 100 साल पुराना था। ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया गया। पिछले 40 घंटों में लगातार हो रही बारिश से रांची के अनगड़ा, नामकुम, कांके और ठाकुर गांव में किसानों को भारी नुकसान हुआ। यहां सैकड़ों एकड़ में लगी कोहड़ा, कद्दू, बोदी, तरबूज बर्बाद हो गए। खेत में जलजमाव के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। बारिश से फूलगोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, करेला, टमाटर सहित अन्य सब्जियों को भी काफी नुकसान हुआ। लोहरदगा में बदला बैंक ऑफ इंडिया से बक्सी डीपा करंज बगान तक पहुंच पथ चक्रवात के कारण 2 महीने में ही ध्वस्त हो गया। उक्त पथ निर्माण कार्य REO विभाग से मंतशा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया गया है। 1.8 किलोमीटर नया पथ निर्माण कार्य अभी 2021 में ही समाप्त हुआ, जो ध्वस्त हुआ है। 24 घंटे के बाद नदी में फंसी बाराती वाहन को JCB मशीन के मदद से बाहर निकाला गया। धरधरी नदी में फंसे बाराती वाहन को 24 घंटों के बाद नदी से बाहर निकाला गया। इसे JCB की मदद से बाहर निकाला गया।